कुछ भी कहते ही रहते हैं। 10 साल का हिसाब दी प्रधानमंत्री जी, बेरोजगारी बढ़ा दी, गरीबी बढ़ती, महंगाई बढ़ा दी, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया, विशेष पैकेज नहीं दिया, बाढ़ के लिए कोई काम नहीं किया, एक सुई का कारखाना तक नहीं खोला। प्रधानमंत्री ने 40 में 39 सांसद क्या किया, उनके और बिहार के लिए जरा हिसाब तो उनको देना चाहिए। काम की बात वह बोलते ही नहीं है, बेकार की बात बोलते हैं। पढ़ाई दवाई कमाई के बारे में वह बात ही नहीं करते हैं, महंगाई गरीबी के बारे में नहीं बोलते हैं, ना ही उनके बोलने से कोई फर्क पड़ता है और जनता उनको हटाना इस बार पक्का चाहती है। बिहार आने पर कहा कि बिहार आए डोनाल्ड और पुतिन को बुला लेते, नॉर्थ कोरिया वाले किम जोन है उनको भी बुला लेते और सभी मिलकर भरपूर चुनाव प्रचार करते हैं। बीजेपी के लोग घबराए हुए हैं, उनका पतन अब शुरू हो गया है। देखिए इस रिपोर्ट में किस तरह से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव मोदी को कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। तेजस्वी जी, प्रधानमंत्री ने कहा है कि न देश की चिंता है, न समाज की, कांग्रेस की, बस परिवार की चिंता है। प्रधानमंत्री जी अपना कुछ भी कहते रहते हैं, 10 साल का हिसाब न गिना है। प्रधानमंत्री ने कौन सी चिंता की है देश की जिसको उन्होंने सुधारा है? बेरोजगारी बढ़ा दी, गरीबी बढ़ा दी, महंगाई बढ़ा दी, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया, विशेष पैकेज नहीं दिया, बाढ़ के लिए एक बार भी समय नहीं दिया, मीटिंग नहीं की, जो बाढ़ हम लोगों की समस्या रहती है, एक सुई का कारखाना नहीं खोला प्रधानमंत्री ने, 40 में से 39 सांसद गए, 39 सांसदों ने क्या किया बिहार के लिए? ज़रा हिसाब तो उनको देना चाहिए। और काम की बात तो वो बोलते नहीं है, बेकार की बातें बोलते हैं। पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई के बारे में नहीं बोलते, महंगाई बेरोजगारी गरीबी के बारे में नहीं बोलते, तो उनके बोलने से कोई फर्क अब जनता में नहीं पड़ रहा है। अब जनता उनको हटाना चाह रही है। बिहार हाँ तो भाई आए ना, डोनाल्ड ट्रंप को कह नहीं लेके आ रहे हैं, पुतिन को भी बुला लेते हैं, एगो साउथ नॉर्थ कोरिया वाले है ना किम जोंग को भी बुला लें और दोनों चारों मिल करके तब भरपूर बिहार में प्रचार करें। अमित शाह ने कल का मतदान चल रहा है, अरे जीत रहे। आपको समझना पड़ेगा कि बीजेपी के लोग घबराए हुए, उनका पतन शुरू हो गया। चल ये अमित शाह ने कल कहा है रैली में कि हम लोग 4 फेज में 270 सीट पार कर चुके हैं, हम लोग 300 कर, भाजपा के लिए 3 में सपने देख रहे हैं 300 सीटों के।